अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के उर्दू के कहकशा की किताब से दो चैप्टर। एक है चैप्टर नंबर 22 और एक है चैप्टर नंबर 23। दोनों चैप्टर गज़ल है और इन दोनों गज़ल को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो की तरह मैं आप लोग को दो दो करके गज़ल कंप्लीट करा रही हूँ, मतलब दो दो चैप्टर करके कंप्लीट करा रही हूँ। पढ़े थे हम लोग मिर्ज़ा गालिब की गज़ल, ठीक है, और फिर हम दोनों गज़ल दो चैप्टर कंप्लीट कराई थी उसमें, और उसके बाद से यगाना चंगेज़ी की गज़ल हम लोग पढ़े। अब ये लास्ट गज़ल आप लोगों को पढ़ना है जो कि खलीलुर्रहमान आज़मी की लिखी हुई ये गज़ल है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग खलीलुर्रहमान आज़मी के बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, समझेंगे इनके बारे में, और फिर मैं आप लोगों को इन दोनों गज़ल की तशरीह कर दूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले खलीलुर्रहमान आज़मी के बारे में जानिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, ठीक। और लाइक करना मत भूलिएगा। आप अंत तक वीडियो को देखिए, जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाती हूँ समझ में आता है तभी लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखिए खलीलुर्रहमान आज़मी के बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं। इनकी पैदाइश की बात कर लें तो 9 अगस्त 1927 ईस्वी को आज़मगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक। 1927 को आज़मगढ़ के गांव सीधा सुल्तानपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक, याद रखिएगा। और इनका मतलब परिवार की बात कर ले तो इनका जो परिवार था बहुत ज़्यादा मज़हबी अदबी माहौल इनके परिवार में था, बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग थे, और इनकी इब्तदाई तालीम शुरुआती शिक्षा जो है वो आज़मगढ़ में ही हुई थी, लेकिन फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए ये अलीगढ़ चले गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप लोगों को याद होगा मैं आप लोगों को बताई भी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है सर सैयद अहमद खां का बनाया हुआ था, और बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई होता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी था ना वो वही था। तो वहीं पर जाकर ये पढ़ाई किया और एकदम आप बोल सकते हैं खरा नॉलेज ये प्राप्त किए थे, ठीक। और 1952 में ये शोबे उर्दू अलीगढ़ में लेक्चरर बन गए, यानी कि उर्दू के डिपार्टमेंट जो कि अलीगढ़ था वहाँ के वो लेक्चरर बन गए और लेक्चरर बनकर जॉब करने लगे। और एक बात याद रखिएगा, ये शायर के साथ साथ नक्काद भी थे, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि खलीलुर्रहमान आज़मी जो है शायर के अलावा और क्या थे, और ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक, नक्काद, तो आप लोगों को नक्काद टिक कर देना है, ठीक। आगे बढ़िए, इनका तीन शेरी मजमुआ का नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये सब्जेक्टिव में पूछ दे कि खलीलुर्रहमान आज़मी की तीन लिखी हुई शेरी मजमुआ का नाम बताए, और आप लोगों को तीनों नाम लिखना पड़ेगा। देखिए इनका तीन शेरी यानी कि शेर व शायरी का किताब का नाम है, पहला का कागज़ी पैरहन जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ शाये हुआ, और दूसरा है नया ऐदनामा जो कि 1965 ईस्वी में शाये हुआ, और ज़िंदगी ए ज़िंदगी जो कि 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ शाये हुआ। और इन तीनों शेर व शायरी की किताब के अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी जो कि शेर व शायरी की ही थी, जिसका नाम था आसमा ए आसमा, और ये 2000 में प्रकाशित हुआ शाये हुआ, ठीक। और इनकी तनकीदी मजामीन के मजमूए याद रखिएगा, तनकीद मतलब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तनकीदी मजामीन यानी कि तनकीद उसे कहते हैं जिसमें जांच परख हो, मतलब जांच परख करने को ही तनकीद कहा जाता है। अगर कोई लेखक कुछ लिखता है, चाहे वो शायरी लिखे, मतलब चाहे वो कोई नज़्म कविता लिखे कहानी लिखे, उसमें क्या सही है क्या गलत है इसकी जांच परख करना ही तनकीद कहलाता है, ठीक है। तो इनके ये तनकीद का भी काम किए थे, जाँच परख करने का काम। अब जाँच परख करने का ये मतलब नहीं कि शायर कुछ लिखा है कहानी लिखा है या फिर कविता लिखा है तो उसमें से सिर्फ गलती ही निकालें, नहीं, उसमें क्या खूबी है, ठीक, क्या अच्छाइयाँ हैं और उसमें क्या गलतियाँ हैं, ये दोनों आप लोगों को बताना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है तनकीद। तो ये तनकीद का भी काम किए थे, और तनकीदी मजामीन यानी कि तनकीद का इनका किताब भी था, याद रखिएगा, फ़िक्र व फ़न जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फ़िक्र व फ़न क्या है, तनकीद का किताब है जो कि 1956 ईस्वी में शाये हुआ, और ज़ाविया निगाह जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, मजामीन नौ जो कि 1977 ईस्वी में शाये हुआ यानी कि प्रकाशित हुआ, ठीक। और ये एक मसनवी भी लिखे थे सहरुल बयान, ठीक, याद रखिएगा, ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। और एक ये रिसाला यानी कि पत्रिका भी लिखे थे जिसका नाम था निगार आतिश के नाम पर, ठीक। और रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में ये तहकीक का भी काम करते थे, रिसर्च जांच परख करने का काम, और तहकीकी इनका मकाला यानी कि ये रिसर्च करके ये एक तरह से किताब लिखे थे आप बोल सकते हैं, उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक, उर्दू में अदबी
उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, और इनका पूछा जा चुका है, पूछना क्या है, पूछा जा चुका है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसने लिखा, तो खलीलुर रहमान आज़मी ने। ठीक, ये प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी को। ठीक, तो ये याद रखना ज़रूरी है। अब आगे बढ़िए, लास्ट में इनके इंतकाल की बात कर ले। तो इनका इंतकाल हो गया था महज 51 साल की उम्र में, 1 जून 1978 ईस्वी को। ठीक, तो ये हो गया खलीलुर रहमान आज़मी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके दोनों गज़ल की तशरीह कर देती हूँ। ठीक, तो मैं ले लेती हूँ बुक और देखिए, सबसे पहले मैं पहली गज़ल की तशरीह करूँगी, फिर दूसरी गज़ल। ठीक, तो देखिए पहली गज़ल के शुरुआत में खलीलुर रहमान आज़मी लिखे हैं कि उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरे ज़िंदगी में तो खुशी थी ही नहीं, एक गम मेरा दोस्त था, गम को याद करते गम में हम डूबे रहते थे, एक मेरा पुराना दोस्त था गम, और उस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया और गम भी मेरे ज़िंदगी से चला गया, मेरी ज़िंदगी से बिछड़ गया। यानी कि मेरी ज़िंदगी में तो खुशी थी ही नहीं, गम था वो भी मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मेरी ज़िंदगी में ना खुशी है ना गम है, मैं अकेला हूँ, अब मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, यानी कि मौत के कगार पर हूँ। ठीक, जी चाहता तो बैठते यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जी चाहता था कि मैं यादों की छाँव में किसी किसी को याद करूं, अपने लोगों को याद करूं और यादों की छाँव में बैठूं, लेकिन ऐसा घना दरख्त भी उजड़ गया, यानी कि मेरे पास किसी की याद भी नहीं है, मैं किसको याद करूं। ठीक है, तो ऐसे यादों की छाँव में मैं बैठना चाहता था लेकिन मेरे पास किसी की याद नहीं है, ऐसा घना दरख्त भी क्या हो गया है, उजड़ गया है, मैं पूरी तरीके से वीरान हो गया हूँ। ठीक है, बस इतनी बात थी कि आयादत को आए लोग, दिल के हर एक ज़ख्म का टाँका उधड़ गया। बोल रहे हैं कि बस इतनी बात थी कि मैं बीमार था। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि बस इतनी बात थी कि मैं बीमार था और लोग इयादत के लिए आए थे। इयादत मतलब होता है लोग हाल चाल पूछने के लिए आते हैं, उसी को बोला जाता है यार। जैसे कि मान लीजिए आप लोग का तबीयत कभी ना कभी ख़राब होता होगा, तो मतलब लोग पूछते हैं, परिवार वाले पूछते होंगे, फिर बाहर से भी लोग आते होंगे कि कैसा है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है तबीयत कैसा है, ठीक है कि नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पर भी बस इतनी सी बात थी, खलीलुर रहमान बोल रहे हैं कि बस इतनी सी बात थी कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और जो लोग इयादत के लिए आए थे उनको मतलब मुझे दिलासा देना चाहिए था, तो उनके आने से मेरा जो दिल का ज़ख्म है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि ज़ख्म का टाँका उधर गया। ठीक है, मतलब वो लोग आए तो मेरी परेशानियाँ और हल होनी चाहिए थी, मुझे दिलासा देना चाहिए था, लेकिन उनके आने से मेरी यादें ताज़ा होने लगी और जिसके वजह से मेरे दिल का ज़ख्म जो है और ज़्यादा बढ़ गया। यारों ने खूब जाके ज़माने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहाँ भी पिछड़ गया। बोल रहे हैं कि मेरे जो यार दोस्त हैं, खलीलुर रहमान बोल रहे हैं कि मेरे जो यार दोस्त हैं वो खूब ज़माने से सुलह की, यानी कि ज़माने के हिसाब से वो अपने आप को ढालते गए, बदलते गए वक्त के साथ। जिस तरह वक्त बदलते जाता है ज़माना बदलते जाते, उसी तरह मेरे यार दोस्त वक्त के साथ बदलते गए, वक्त के साथ ढलते गए, ज़माने के साथ ढलते गए, लेकिन मैं ऐसा बददिमाग कि यहाँ पर भी मैं पिछड़ गया, यानी कि मैं ज़माने के साथ साथ अपने आप को नहीं बदल पाया। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, लेकिन ज़माने के साथ इंसान को बदलते रहना चाहिए। होता यह है ना कि जिस तरह ज़माना बदलते जाता है, और देखिए परिवर्तन ज़रूरी होता है, परिवर्तन से ही प्रगति होती है। ठीक, अब ऐसा जैसे कि पहले हम लोग लालटेन से पढ़ाई किया करते थे, तो ऐसा थोड़ो ना है कि अभी भी हम लोग लालटेन से ही पढ़ाई किया करते हैं, अब ज़माना परिवर्तित हो गया है, बदल चुका है। ठीक है, अब हम लोग LED लाइट होता है, तरह तरह के मतलब सिस्टम आ गया है, अब पहले के ज़माना थोड़ो ना रहा। परिवर्तन धीरे धीरे क्या करती है, प्रगति लाती है, और इंसान को परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में करते रहना चाहिए। जिस तरह ज़माना बदलते जाता है उस तरह इंसान को भी बदलते रहना चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए, कोताहियों की अपनी मैं तावील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी का हर खेल मुझी से बिगड़ गया, मैं उस खेल में मतलब क्या पीछे रह गया, ये मेरी गलती थी, मेरी कोताही थी, तो मैं अपनी कोताहियों की, मैं अपनी गलतियों की क्या बहाना करूं। अब बहाना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं जो भी बता रहा हूं सच बता रहा हूं, मेरी ज़िंदगी का जो भी खेल था उसमें मेरी ही गलती थी, मेरी कोताही थी, जिसके वजह से मैं पीछे रह गया और मेरी ज़िंदगी का हर खेल बिगड़ गया। ठीक है, अब क्या बताएं, क्या था ख्यालों की शहर में, बसने से पहले वक्त के हाथों उजड़ गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब क्या बताएं, मेरे ख्यालों के शहर में क्या था, बसने से पहले ही वो जो है ना मेरा ख्यालों का शहर उजड़ गया। तो अब उस ख्यालों के शहर के बारे में
क्या बताऊँ, मतलब ये ख्यालों का शहर, मतलब वो जो सोचे थे, उनका जो ख्वाब था, उनका जो लक्ष्य था जो बनने का, या फिर आप बोल सकते हैं उनका जो एम था, लक्ष्य, ख्याल, वो क्या सोचे थे, उनका क्या सपना था, वो सपना पूरा होने से पहले ही, बसने से पहले ही जो है ना, वक्त के हाथों उजड़ गया। तो अब उसके बारे में क्या फ़ायदा बताने से, यही बोल रहे हैं खलीलुर्रहमान। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट लाइन और ये हो गई आप लोगों की पहली गज़ल कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं दूसरी गज़ल की। तो देखिए, दूसरी गज़ल के शुरुआत में खलीलुर्रहमान आज़मी लिखे हैं कि हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मैं जीना चाहता था, और इसीलिए जब मेरे सामने मौत आकर खड़ी हो गई थी ना, तो मौत के बांसुरी पर भी मैं ज़िंदगी का ही नगमा गा रहा था कि ए ज़िंदगी मैं मरना नहीं चाहता, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, ए ज़िंदगी तेरा रुतबा बढ़ा रहे, तेरा रुतबा, तेरा मर्तबा ऊपर रहे, और मैं क्या मतलब मौत के सामने खड़ा हूँ लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ठीक, और कोई भी इंसान मरना थोड़ो ना चाहता है, वो ज़िंदा ही रहना चाहता है। तो वही बोल रहे हैं खलीलुर्रहमान कि मतलब मौत से ज़्यादा मुझे इतनी ज़िंदगी से मोहब्बत थी कि मेरे सामने मौत भी थी, फिर भी मैं मौत के बांसुरी पर ज़िंदगी का नगमा गा रहा था, मैं ज़िंदगी को ही याद कर रहा था। मेरे सामने मौत थी, मौत को भूल गया था मैं, और मैं ज़िंदगी को ही याद कर रहा था। ठीक, अपना मुकद्दर था यही ए मुंबई आसूदगी, बस्तिश नगी वो पास था दरिया तेरा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपना मैं मुकद्दर क्या बताऊँ कि मैं ऐसी, मतलब मुझे आप बोल सकते हैं प्यास से मोहब्बत थी, मेरे सामने दरिया था लेकिन मैं उस दरिए से पानी नहीं पी रहा था क्योंकि मुझे प्यास से मोहब्बत थी। मैं अपनी मुकद्दर का क्या कहूँ, इस गाम से उस गाम तक जंजीर गम के फासले, मंजिल तो क्या हमको मिले, चलता रहे रास्ता तेरा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ इधर उधर में जो है ना रास्ते तय करते रहा, चलते रहा, लेकिन मंजिल हमको नहीं मिला। मंजिल क्या मिले, मेरी ज़िंदगी में गम मिला है सबसे ज़्यादा, और मैं इधर से उधर चलता गया, रास्ता तय करते गया, लेकिन मंजिल मुझे अभी तक नहीं मिली। ठीक है, तू कौन था, क्या नाम था, तुझसे हमें क्या काम था, हर पर्दे दिल पर भी धुंधला सा एक चेहरा तेरा। बोल रहे हैं कि तू कौन था, तू क्या था, तुम्हारा नाम क्या था, तुझसे मेरा क्या वास्ता था, तुझसे मेरा क्या काम था, कि हर पर्दे दिल पर धुंधला सा एक चेहरा तेरा। मतलब मेरे जहन में तेरा सा एक धुंधला, मतलब तेरा एक धुंधला सा चेहरा आता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तू कौन था, क्या था, तुझसे मेरा क्या वास्ता था, क्या काम था, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जहन में तेरा एक धुंधला सा चेहरा आता है। ठीक है, सूरज है गोना मेहरबा, है सर पे नीला साइबा, ए आसमां दायम रहे साया तेरा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो सूरज है वो पूरी गर्मी के साथ चमक रहा है, पूरे गर्मी के साथ प्रकाश दे रहा है, और इस गर्मी को रोकने के लिए हमारे सर पर क्या है, नीला साहिबा है, यानी कि नीला आसमान है, आसमां, यानी कि बोल रहे हैं कि ए आसमां तू हमेशा इसी तरह जो है ना हमारा साया बनकर दायम रहना, यानी कि कायम रहना, इस दुनिया में हमेशा रहना हम लोगों का साया बन के, ताकि ये जो सूरज है वो कभी भी अपनी गर्मी से हमें जला ना सके। ठीक, तो वही बोल रहे हैं कि ऐ आसमां तू हमेशा साया बनकर दायम और कायम रहना इस दुनिया में। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 23 दोनों कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड या फिर मुसन्निफ़ से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर लीजिए, और चारों तरफ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।